हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, तो मेरी तबीयत अभी इस टाइम ढंग सही से ठीक नहीं है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे। और तो आज जा रही हूँ दोस्तों दिखाने फिर से इंडोन। तो बने रहे ब्लॉग के साथ दोस्तों, जहाँ तक है तो ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और नहीं कर पाऊँगी तो भाई फिर ऐसे ही घर आके देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर। तो जा रहे हैं आज दिखाने के लिए दोस्तों, तो बने रहे ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, हम हॉस्पिटल में दिखा के आ चुके हैं। मेरा एक्सरा हुआ है भाई, अभी दवाई लेने जा रहे हैं। हमारे भांजे की वजह से बहुत सपोर्ट मिला है भाई। उसने डॉक्टर से बोल दिया कि मामी को अच्छे से देखना, मेरी मामी है। तो भाई जल्दी से नंबर आ गया मेरा और एक्सरा करवा के लेके आया। अभी दवाई लेने जा रहे हैं उसके पापा। रोटी खावे के बाद ये एक गोली लेनी है, रोटी खावे के बाद शाम को है ये तो भरे पेट है। क्या बोले अभी अभी दे दियो खाना, खवा थोड़ा सा। खाना तो खाया ही, रोटी मुझे चाहिए। अभी दे दे एक गोली देगा। पानी तो है तो नहीं पानी देख ले तू, ये तो भरे पेट है। ये खा रहे हैं भाई गजक और अंश खा रहा चिप्स। और आगे से आ गई मोटरसाइकिल। तो दोस्तों, बीजेपी वाले की गाड़ी रखी है यहाँ पे, कैंप लग रहा है भाई। हम घर आ चुके हैं। ये कायंस तो कुया है। हाथी कौन लायो? पापा लायो। मैं दोबारा लायो झूठा। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा आयो। अंडों से ये बेंच कौन की टकरा रही है? जी जी डकला ओल डकला ली है। एक ओल जाना कौन की? का खा रही है? अद्वी का कुछ खा रही है दोस्तों, तो मेरे लिए लेके आ रही है। देखो का खा रही है बेटा, मुंह देगी भैया को खवा दे। अदबी का भैया को खवा दे। ये सोना कौन लाया है? मैं नहीं लाया थे, पापा ले रहा है भाई। सोना की डिमांड थी पेटीज की, तो इसके पापा इसके लिए पेटीज लेके आए। कछु डारो नहीं जा मैं सॉस खा ले। तू खा ले ऐसा नहीं खाए? ये तो नहीं खाया छोरी, तू ही खा ले। वो आ गई, वो खाएगी। तू खा गई मसाले से दूर ना खा गई। तेक मत दे बाकू, नहीं खाए ते का थोड़ा थोड़ा दे दे, थोड़ा सा मसालों से लगा दे दे वो में से नेक सी सी लगा दे दे वो सॉस सी थोड़ी सी। देखो दोस्तों, घर आते ही काम शुरू हो गए इनका, नीम काटने का। नीम काटने लग रहे हैं। इतना तो काट दिया, अभी सवर नहीं, अभी तो काटने लग रहे हैं। और अंश के पापा लग रहे हैं भाई खाना बनाने में। तो मैं तो 4-5 दिन से कुछ भी काम कर ही नहीं रही हूँ भाई, घर का वो ही कर रहे हैं सारा काम। तो हिंडोन से आने के बाद तभी से लग रहे हैं भाई। अभी उनको लाइट भी नहीं आ रही है, हमारे यहाँ पे लाइट आएगी 8 बजे। ये देखो दोस्तों, 8 लगाने लग रहे हैं। और दूध गर्म कर लिया है भाई इन्होंने, और सब्जी भी बना ली। सब्जी इधर रखी है कढ़ाई में, और दूध गर्म करके रख दिया। और अब बना रहे हैं भाई रोटी, आटा लगा रहा है फिलहाल। तो अभी ये देखो दोस्तों, ये काम बढ़िया है, मैं दुख रहा हूँ यार। काम कर लूँगा, मुझसे बोलते हैं कि तू कुछ काम नहीं करती।
अब इनको पता पड़ रहा है भाई कि मैं क्या क्या काम करती थी। काम भी करूंगा नहीं करूंगा इनका काम है ये तो सब दुनिया में। आज मुझे बहुत अच्छा करो भैया के चेहरा पास ही देख कर, क्योंकि यार तेरे को करे तो मेरे पहले तथा चला है उनको करे बोल रहे भाई अगर ये कराती है ना तो इससे पहले मेरे दर्द होता है, ये हंस रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग। अभी इनको ये पता नहीं, अभी फिलहाल इन्होंने मुझे दवाई दी थी तो थोड़ा मुझे आराम सा है, तो ये लग रहा है भाई खाना बनाने। बोल रहे भाई दवाई तेरे जीजा जी ने बताई थी, वो तो मेरे जीजा जी ने बताई थी जो दवाई, मेरे थोड़ी दिक्कत सही हो गई है मेरे फिलहाल। और मैं आप लोगों को बता दूं तो मेरे जीजा जी भी एक डॉक्टर ही है भाई एम्स हॉस्पिटल में रायपुर में, तो मुझे कुछ भी दिक्कत होती है ना तो वो यहीं से सॉल्यूशन बता देते हैं, तो इनको बता दिया था उन्होंने कि इस दवाई को ले आना, तो भाई आज ये उस दवाई को भी ले आए मेरे लिए। और दवाई का मेरे लिए पोटरा बन रहा है भाई, आप लोगों को दिखाऊंगी लाइट आने तो उसके बाद तो और ये बच्चों की दवाई की देखो भाई लाइन तारी लग रही है एक बगल से, ये देखो पूरी ताकों पे रखे भाई इनके, पूरी पे सी रखी है इनकी। और काफी पहनते होगा साथ होना चाहिए बस। बहुत लोगों ने मेरे लिए बहुत ही अच्छे कमेंट किए हैं, मेरे सारे जितने मेरे चाहने वाले दोस्त हैं भाई सब ने मेरे लिए दुआ की है, मैं उनको सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ भाई, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद जिन्होंने मेरे लिए इतना सपोर्ट किया। और लाइट आने वाली है दोस्तों, झटका दे रही है अभी आ गई लाई को। हाँ वो कितने झूठा है, कितनी महंगी है जो कह 60 रुपया की है ना, हाँ तो मैं तो पता ही पहले ही के महंगी होगी तो भाई मैं इनसे मना कर रही थी कि मेरी तबीयत ना ठीक होने वाली है, लेकिन फिर भी। और इनको भेजी है भाई देवी साहब भैया ने हल्दी की सब्जी। किसको इसको पसंद है कमेंट करके बताना भाई किसको पसंद है, मैंने तो पहली बार देखी है हल्दी की सब्जी। कच्ची हल्दी है कैसी आई दोस्तों, ये ना घर का सारा काम करते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो भी कुछ काम होता है हमारे घर में ना, तो बाहर वाले ना इनको ताना देते हैं, घर वाले ना बाहर वाले खुद तो कुछ करते नहीं है भाई, और ये करते हैं ना तो इनको ताना देते हैं। अगर दोस्तों इस मुसीबत में ये नहीं मेरा साथ देंगे तो और कौन देगा भाई, तो इनसे मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, तो बात अलग है कि हम बस सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं और आप लोग घर में ही कर रहे हो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैं दोस्तों दिखाती हूँ उनका रोटी बनाने का तरीका आप लोगों को, ये देखिए भाई इनका लोई बनाने का तरीका ये देखो दोस्तों कैसी लोई बनाई है, और चून भी भाई एकदम मैं बनाऊं रोटी बेल ले तो दोस्तों मैंने रोटी बेल दी है, अब बोल रहा है मैं सीख लाऊंगा तू चली जा, तो मैं जा रही हूँ भाई। इनको मेरी बीमारी का ही डर है भाई और कुछ भी नहीं है। दोस्तों अद्विका जगी आई है, वो फोन देखने लग रही है, टाइम हो रहा है 10 बज रही है भाई, और इसको उल्टी भी होगी। अद्विका फोन दे दे पापा के, अब मैं कर दूँगा दोबारा दोबारा भैया जगी आयो, भैया जगी आयो, भैया छुड़ा लेगो दिन में तो जो कह रहा हूँ माँ लंगू ले पा मैं तोल दूंगा आके अब देखेगी सुन दे बेटा सुन दे भैया तू तो देख ले इतना देख ले मध्य फोन आओ एक मध्य आओ नो आओ इतने पेड़ नहीं देखेगी आओ मैं चलाऊं तो मैंने काट दूं ला कोई मध्य आओ ना पा से तो सोना चाहिए, सोना ढूंढ रो है तू अभी आ कुछ ले भैया की सोना लिया जा रोया है लाऊं सोना ना उठिया
तो भाई सोना बिगड़ नहीं सोता है, अंश देखो कैसे ढूंढ रहा है उसे, बार बार दो बार तो दीवार में मुंह फोड़ लिया इसने। लिया बेटी सोना नहीं रह सका मामा के लिए। और संतरा ही कह रही मैं ले जाऊं, मैंने अपने पता नहीं रहा सोना बेचारी लारू सोना हूँ तो सोना को लेचन तोड़ के लाए हैं और मोह को पूजा करवे खा गए तुम बोल गए बताओ। हाँ बता। बैठ गए मेरी पूजा करवे गए कैसे खाई थे ने बहुते जाओ बहुत चाहिए हो जाओ बोले बाबा ना कह रहा बोले बाबा चाहिए हो जाए। बालाजी बाबा पे गए हो मुगा पूछो तू कहाँ गए हो लहसन खा रो है लहसन मत खा तू चोपरो लगेगो लहसन तो दोस्तों कल कोशिश करी थी कि भाई ठीक हो जाएंगे लेकिन कोई आराम नहीं है। और ये देखो बालों का क्या हाल हुआ है, इतने बाल तो टूट चुके हैं सुलझाने में। और अंश के पापा बना रहे हैं भाई रोटी अपने अपने पेट भरे चल दिए हैं सब।